हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। और नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे हम, देखेंगे कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कार्ड्स को शफल करके स्प्रेड आउट कर लिया है, तो आपको फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखना है। लेट्स सी उनके ट्रू करंट फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या कब होने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ओपन अप नंबर 4। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही वो समय करीब आ गया है जब आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, उनके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं, एंड बड़े ही क्लियरली, बड़े ही ओपनली। ठीक है, बहुत समय हो गया, मे बी इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस नहीं किए, या फिर कोई बातें अपने मन में दबा के रखी जो आपके सामने नहीं एक्सप्रेस करी। तो वो वक्त आ गया जब ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे सारी फीलिंग्स जो भी उनके अंदर चल रहा है, नहीं, एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन विद इन देम। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन के लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, वो और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं रख पा रहे हैं। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस हाउ दे फील अबाउट यू, एंड वही चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। द सेकेंड थिंग जो मैं देख रही हूँ वो है नंबर 13। फिर से नंबर 4 आया है, रिलीज़। मैंने बोला आपको कुछ तो है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक तूफ़ान मचा हुआ है, एंड दे वांट टू रिलीज़ इट। वो बस अपने अंदर जो भी चल रहा है वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने अंदर और नहीं रखना चाहते। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ये पर्सन चुप है, काफ़ी टाइम से एक चुप्पी साधे बैठे हैं और कुछ भी एक्सप्रेस नहीं हो रहे, बट नाउ दे वांट टू। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अगर वो नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो उनके लिए ही मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई आई सी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और मुझे लगता है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी है आपको, खोने का डर, आप मूव ऑन हो जाओगे, आप किसी और के लाइफ में चले जाओगे, दैट इज़ वॉट इज़ यू नो बॉदरिंग दिस पर्सन, एंड दे डोंट वॉन्ट टू फील द ऑल दैट। ठीक है, लेट्स सी। ऑब्जर्व, नंबर 12 है तो नंबर 3 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए, वो आपको स्टॉक कर रहा है, वो आपको देख रहे हैं, या तो सोशल मीडिया पे या कोई और मीडियम है वहाँ से, बट वो आपको देख रहे हैं। दे हैव देयर आइज़ ऑन यू, उनके पास आपकी हर इन्फॉर्मेशन है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, या फिर उसका ध्यान नहीं है मेरे पे, तो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू, आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। एंड आप देखिए, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ आपको देखकर या आपको स्टॉक करके भी ये पर्सन आपका माइंडसेट, दे कैन नो व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाट यू वांट। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ यहाँ पे नंबर 16, जो कि नंबर 7 भी होता है, रीबिल्ड। तो मुझे लगता है कि कुछ तो टूट गया था इस पर्सन के अंदर। देखिए, हमेशा हम अपने साइड से सोचते हैं कि वही मेरे से दूर किया, उसे क्या हो रहा होगा, वो तो मस्त होगा, यू नो सहना तो मुझे पड़ रहा है, लेकिन यू नेवर नो। क्योंकि किसी का कुछ करने के पीछे कोई रीज़न भी हो सकता है। अगर ये पर्सन ने आपको छोड़ा तो देर माइट बी अ रीज़न। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन अपने आप को ही समझा रहे हैं और अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट वापस जीतना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बिल्ड योर ट्रस्ट, यू नो विन योर ट्रस्ट बैक, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने आपको इस कदर तोड़ दिया है, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, कि नाउ दे हैव टू रीबिल्ड इट। मतलब उन्हें बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, तो वो चीज़ उन्हें पता है पहले, उसके लिए फिर वो अपने आप को हील करे, अपने आप को समझा रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड हियर इज़ वाइट, न्यू वाइटैलिटी नंबर 1। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे इस पर्सन के अंदर एक न्यू एनर्जी आई है, एक न्यू पैशन जगा है, एक फ्रेश एनर्जी जैसे होती है ना, कि मुझे आई वॉन्ट टू गो गेट हर, मुझे वो चाहिए, मुझे इस रिश्ते के लिए अब कुछ करना है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, ये पर्सन भाग रहे थे, फीलिंग्स छुपा रहे थे, नहीं डील करना चाह रहे थे आपके साथ, आपको इग्नोर कर रहे थे, बट नाउ दे वॉन्ट, उनके अंदर ही एक पॉजिटिव, न्यू वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी है, और वो इस रिश्ते में वही एनर्जी लाना चाहते हैं वापस। ओके, एंड द लास्ट कार्ड वुड बी दिस ब्लॉसम नंबर 20।
तो नंबर टू सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन, जैसे मैंने बोला, इनके अंदर पैशन जग रहा है, आपके लिए प्यार जग रहा है, एंड नाउ दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स, दोज इमोशंस। वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बस अब आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत, यू नो, जैसे मैंने बोला, रिस्टार्ट बेसिक से, ओके? और उन्हें पता है कि ये रिश्ता बहुत पोटेंशियल रखता है आगे जाने का, और कुछ स्टेबल रिलेशनशिप बनने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस कनेक्शन में, ओके? तो मैंने कुछ पहले, अभी नेक्स्ट जो हम देखने वाले वो दूसरे ओरेकल से देखेंगे, सॉरी मंबल करने के लिए, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ, आई एम गोइंग समवेयर आउट ऑफ स्टेशन, थोड़ा सा मतलब दूर नहीं है, पास ही है, सो मैंने सोचा लेकिन वीडियो शूट करके रखूँ आपके लिए, ताकि आपको, आप मुझे मिस ना करो, ओके लेट्स सी। गेटवे बहुत जल्द, देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी क्रॉस रोड पे है, ठीक है, जहाँ से सिर्फ एक कदम और वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि इस पर्सन का दिल भी उनसे कह रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है, और वो उनके दिल की बात सुन रहे हैं और आपके तरफ धीरे धीरे ही सही बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एडवेंचर, वो आपके साथ एक न्यू ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक न्यू एनर्जी के साथ जीना चाहते हैं, एंड मुझे लगता है कि इस पर्सन को एक्सप्लोर करना है इस रिश्ते को, उन्हें पता है कि इस रिश्ते में कुछ खास है, एंड दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट, ओके, दे फील सो हैप्पी विथ यू। मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में आप जब भी वो आपके साथ होते हैं, दे फील वेरी हैप्पी, एंड एक नयापन सा लगता है इस पर्सन की लाइफ में, जब आप नहीं होते हो दे फील वेरी लोनली एंड वेरी लेफ्ट आउट, कुछ भी नहीं रह जाता इस पर्सन की लाइफ में। नेक्स्ट है यहाँ पर लीडरशिप, अब ये पर्सन अपने हाथों में चीज़ें लेना चाहते हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके? अब तक भागने वाला इंसान अब आपके लिए इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो रहा है और खुद ही एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहा है, तो इनिशिएटिव इनकी तरफ से ही आएगा और अपनी गलतियाँ भी मानना चाहते हैं। एंड द लास्ट कार्ड वुड बी दिस, टेकिंग रिस्क। तो अगर आप दोनों का रिश्ता बहुत डिफिकल्ट है, मे बी इसमें बहुत ऑब्स्टैकल्स है, मे बी आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस है बैकग्राउंड का, कल्चर का, रिलीजन का, एज का, तो भी ये पर्सन, या हो सकता है इस पर्सन को आपसे जो चाहिए था इन दिस कनेक्शन पास्ट में वो नहीं मिला, फिर भी ये पर्सन इसको एक मौका देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रिस्क की तरह ही हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने कुछ गलत किया है, लेकिन मे बी इस पर्सन के लिए जो सही था वो आपके लिए गलत था, ठीक है। तो इसलिए अब मुझे लगता है ये पर्सन खुद होके आगे बढ़ के आना चाहते हैं, और बस वो एक कदम की दूरी है, एक ही है वो चीज़ जो वो डिसाइड करेंगे एंड वो आपकी तरफ मुड़ेंगे, एंड आई सी देम टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू, मूविंग टुवर्ड्स यू, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, ओके लेट्स सी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि देखिए दिस पर्सन इज वेरी इनसिक्योर, मैंने आपको पहले भी बोला, उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे अब आप उनके कंट्रोल में नहीं रहे, अब वो आप, मतलब उन्होंने आपको गवा दिया है, अब आप मे बी मूव ऑन हो चुके हो, सो दे वॉन्ट, और उनको जब तक वो कंट्रोल आप पे हासिल नहीं होता ना, दे वॉन्ट फील गुड, तो वो कंट्रोल पाना चाहते हैं आप पे, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ फोर पेज ऑफ वॉन्ट्स, तो आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चुपचाप आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और आपको लेकर बहुत पैशनेट भी है ये पर्सन। हो सकता है आप अपने से एज में छोटे पर्सन से डील कर रहे हो सकता है ये पर्सन बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, यू नो, अफ्लुएंट फैमिली हो सकती है, बट मे बी ये पर्सन यंग है, ठीक है, यंग एनर्जी है, मे बी जो स्टूडेंट है अभी, ठीक है, या जॉब ढूंढ रहे हैं, समवन लाइक दैट। मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको चुपचाप देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और
मन ही मन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनके अंदर ड्रीमिंग चल रही है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज टू ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है सिचुएशन, दोनों मे बी इनके लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं जो जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, या बहुत प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, तो वो दो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। ओके, तो दे वॉन्ट टू ब्रिंग बैलेंस टू द सिचुएशन। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 of Wands, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। देखिए, दे आर अबाउट टू अभी एक ऐसा वक्त आ गया जहाँ पे ये पर्सन जो बोझ वो अपने ऊपर लाद रहे हैं, ओके, गिल्ट का, अफसोस का, एंड आपसे दूर जाने का जो एक सैडनेस है, जो भी है, जो दिल में गुस्सा, एंग्जाइटी, सब कुछ छुपा के रखा है ना, दे जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉप देयर बर्डन नाउ। वो अभी अपना बर्डन ड्रॉप करना चाहते हैं, ओके, क्योंकि अभी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट इज़ पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आई डेफिनेटली सी देम स्टॉकिंग यू, मुझे हैवी स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, एंड बहुत लोगों के लिए तो ये आपसे छोटे हैं, थोड़े इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी वाले पर्सन भी हो सकते हैं। यू नो, कोई कोई होते हैं ना कि जो रिश्तों को तब सीरियसली नहीं लेते जब लेना चाहिए, और फिर जब हाथ से बाहर चली जाती है सिचुएशन, फिर सोचने लगते हैं। सो दिस पर्सन माइट बी वन ऑफ देम, लेकिन ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए। दे माइट हैव डन समथिंग और सेड समथिंग टू यू जिसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे वेल है, सो दे फील ट्रैप्ड, कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ही इस रिश्ते को बहुत हद तक ख़राब कर दिया। एक अपने आप को भी सैडनेस दी है, आपको भी सैड कर दिया है इस पर्सन ने। तो जो कुछ लोग होते हैं ना, सेल्फ सैबोटेजिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लोग, जो खुद को ही परेशान करते हैं, खुद की ही यू नो सिचुएशन को बद से बदतर कर देते हैं, तो वही मुझे आपके पर्सन की सिचुएशन लग रही है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं रिश्ते को ख़राब करने के पीछे और खुद को परेशान करने के पीछे इस पर्सन का ही हाथ है। ओके, एंड लास्ट इज़ 4 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। सो दे वॉन्ट टू रीच आउट, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, और ये पर्सन करेंगे भी, लेकिन उनको लग रहा है कि आप रिजेक्ट करोगे या आप इग्नोर कर दोगे, और आपके इग्नोरेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है इस पर्सन को। ये सारी दुनिया को इग्नोर करते हुए देख सकते हैं, सह सकते हैं, लेकिन इफ़ यू इग्नोर देम, वो उनके दिल को हर्ट कर जाता है। ओके, हो सकता है इन्होंने पहले भी कुछ पैटर्न बार बार रिपीट करे हैं, यू नो, बार बार चले जाना एंड फिर आके कुछ अप्रोच करना, तो नाउ यू आर मे बी टायर्ड, आप मे बी परेशान हो गए इस पर्सन के बिहेवियर से। ओके, सो दैट वॉज इट। कैसे लगे आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। डेफिनेटली मुझे काफ़ी लोगों के लगता है कि ये पर्सन बहुत जल्द रीच आउट करने वाले हैं, कॉल मैसेज ही इनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 दिन लग सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए 4 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। सो मिनिमम 2 हफ्ते आप, सॉरी मैक्सिमम 2 हफ्ते पकड़िए बहुत सारे लोगों के लिए। सो दैट वॉज इट। रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।